हाय फ्रेंड्स, एम सुनीत फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और कुछ दिन पहले मैंने एनबीएफसी सेगमेंट का क्वांटिटी एनालिसिस किया था आप चाहो तो वो वीडियो डेफिनेटली देख सकते हो और आज का जो टॉपिक है वो भी लेंडिंग बिजनेस से ही रिलेटेड है ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी हुआ करती थी जिसको गवर्नमेंट ने स्मॉल फाइनेंस कंपनी में कन्वर्ट कर दिया और लास्ट वन ईयर में इसके शेयर प्राइसेस जो है काफी ज्यादा फॉल हुआ है और उसका प्राइमरी रीजन है एनपीए और एनपीए तो इस कंपनी की मैं बात करूं तो ये मुझे सिमिलर लगता है जैसे कि बजाज फाइनेंस आज से 20 साल पहले एक स्मॉल कैप कंपनी हुआ करती थी और एनबीएफसी सेगमेंट जो है इंडिया मार्केट में स्पेशली ऑर्गेनाइज तरीके से मूव हो रहा था ठीक उसी तरीके से मुझे लगता है माइक्रो फाइनेंस जो है एक ऑर्गेनाइज मार्केट में कन्वर्ट हुआ है और आने वाले टाइम में अगले बीस साल के लिए अमेजिंग रनअप दे सकता है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा मल्टीबैगर हो सकता है तो आज हम डिस्कस करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक तो सबसे पहले हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे फिर फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और फिर चार्ट पे देखें क्या इंटरेस्टिंग है जब भी आपको ये डाउट होता है कि क्या आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक खरीदना चाहिए या उसकी पेरेंट कंपनी को खरीदना चाहिए तो मैं कहूंगा कि आप एक बार बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसअप को देखिए तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसअ में अगर आप देखोगे तो प्राइमरली बजाज फाइनेंस जो है बजाज फिंसअप से ऑलमोस्ट फोर टू फाइव टाइम्स बेटर रिटर्न दिया है लास्ट ट्वेंटी ईयर में तो इसी से आपको पता चल जाता है कि आपको जो कंपनी है एक्चुअल कंपनी है उसको बाई करना चाहिए ना कि उसकी होल्डिंग कंपनी को और मैं एक और चीज आपको बताऊं तो जब भी आपको पैसे लगाने होते हैं तो आप सचिन तेंदुलकर पे पैसे लगाएंगे आप सचिन तेंदुलकर के पे पेरेंट्स पे नहीं लगाएंगे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं तो कंपनी जो है स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को फार्मर्स को लो टिकट साइज के लोन्स देती है जैसे कि किन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 40000 के आसपास का इनका एवरेज टिकट साइज है अगला पॉइंट की बात करूं तो रेगुलेटरी नॉर्म तो रेगुलेटरी नॉर्म के हिसाब से गवर्नमेंट का जो नॉर्म है उसके हिसाब से जितनी भी कंपनीज है स्मॉल फाइनेंस बैंक इनको ऑर्डर दिया गया था कि जब भी इनका बिजनेस स्टार्ट होगा उसके टाइम से तीन साल के अंदर उनको अपना आईपीओ लाना पड़ेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो इसलिए भी है क्योंकि अगर आप स्मॉल फाइनेंस कंपनीज को देखोगे तो अभी भी बहुत ज़्यादा रनअप बाकी है बहुत ज्यादा ग्रोथ बाकी है और यूजुअली कंपनीज जो है आईपीओ तब आता है जब उनको लगता है कि काफी हद तक उनकी ग्रोथ हो चुकी है और आने वाले टाइम में उस लेवल की ग्रोथ नहीं होगी तब जाके आईपीओज आते हैं बट यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट का ये रेगुलेशन की वजह से और गवर्नमेंट के इस ऑर्डर की वजह से इनको आईपीओ मजबूरन लाना पड़ा और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका जो फोकस है वो मेजरली उन कस्टमर्स की तरफ है जो बेसिकली बड़ी बैंक जिनको लोन नहीं देती जैसे कि एच बैंक एक्सिस बैंक बैंक इस तरह की कंपनीज जिनको लोन नहीं देती छोटे टिकट साइज के लोन्स होते हैं उनको ये सर्व करते हैं और मोस्टली इनके जो लोन्स होते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं और इनका मोटो सिंपल सा है कि अंडरसर्व्ड और Unserved, ये दो पॉपुलेशन को ये मेजरली टारगेट करते हैं और यही मैं अगर आईपीओ की बात करूँ तो टू में इसका आईपीओ आया था 2017 में कंपनी की थी अपना बिजनेस स्टार्ट की थी और वही 2019 में जब इसका आईपीओ आया था तो 170 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था और ये हाईएस्ट था 2019 के अंदर और वही एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स बेसिकली वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो आईपीओ के दौरान जो है इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो होते हैं वो एंकर इन्वेस्टर्स माने जाते हैं वो बेसिकली मार्केट में एक सपोर्ट देते हैं इन कंपनीज को और अगर हम एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो गोल्डमैन एक्ट एच डी एफ सी लाइफ गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और ICC, AMC. तो ये 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 पांच जो 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 है ये चार जो है है चार बेसिकली एंकर एंकर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स थे और एंकर का क्वालिटी जो है, काफी कुछ बता देता है मैनेजमेंट की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो एंकर इन्वेस्टर्स में कभी आपको गोल्डमन सैक्स एच डी एफ सी लाइफ गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर आईसीआई म्यूचुअल फंड इस तरह के ब्रांड्स ऐसे एसोसिएट नहीं होते हैं वहीं मैं अगर कंपनी की प्रेजेंस की बात करूं तो 24 स्टेट्स में ये प्रेजेंट है 244 डिस्ट्रिक्ट्स में 575 सेवेंटी फाइव ब्रांचेस है और फोर सेवेंटी है तो काफी अच्छी वेल well नेटवर्कड है कंपनी और यहाँ पे अगर हम कस्टमर्स की बात करें तो 55 फाइव लैख कस्टमर्स है और इस चीज को आप नोट कीजिएगा 55 फाइव लैख कस्टमर्स को क्योंकि आने वाले स्लाइड में मैं इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा और अगर आप एम्प्लॉज की बात करें तो 17,000 थाउजेंड एम्प्लाइज है तो देख सकते हैं कंपनी की नेटवर्क जो है बहुत ही सॉलिड है और ये बताता है कि कंपनी का बहुत अच्छा प्रेजेंस है अक्रॉस इंडिया और आने वाले टाइम में ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ दे सकता है ऐसे नेटवर्क के साथ और वहीं अगर मैं बात करूं तो कंपनी जो है 2004 में एस्टैब्लिश हुई थी एज अ माइक्रो फाइनेंस और उसके बाद कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी आज के टाइम पे जो हम जानते हैं उजिवन फाइनेंशियल सर्विस ये एक एनबीएफसी के हिसाब से स्टार्ट हुई थी 2006 में जो है 10000 कस्टमर्स इसके अचीव हुए थे और वहीं 2008 में 10000 कस्टमर्स से बढ़ के 1 लाख हो गए थे मात्र 2 इयर्स में 10 टाइम्स ग्रोथ हुई थी और यहां से भी मैं बोलूं तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने की टू थाउजेंड एट में जहाँ एक लाख कस्टमर्स थे ग्रो हुआ है लास्ट थर्टीन ईयर में तो इसीलिए मैंने बोला था किस तरह की ग्रोथ हो चुकी है पास में ये दिखता है और आने वाले टाइम में भी इस तरह की अमेजिंग ग्रोथ होने वाली है तो बेसिकली ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी और गवर्नमेंट को अराउंड 2014-15 जो है ये रियलाइज हो चुका था कि जो ये जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी चाहे उज्जीव हो या फिर एय स्मॉल फाइनेंस बैंक को हम जानते हैं या फिर एक्विटस होल्डिंग हो इस तरह की जितनी भी ये स्मॉल फाइनेंस कंपनीज है पहले के टाइम पे माइक्रो फाइनेंस के हिसाब से चलती थी और गवर्नमेंट ने इनको कन्वर्ट करके स्मॉल फाइनेंस कर दिया ताकि ये रेगुलेटरी नॉर्म्स के अंदर आ सके क्योंकि इनका बिजनेस इतने अच्छे तरीके से ग्रो हो चुका था और वहीं अगर हम बात करें तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का अप्रूवल मिल गया था टू और फिफ्टी में इसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर लिए थे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी की किस तरह की अमेजिंग ग्रोथ रही है और आने वाले टाइम में भी काफी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड ट्वेंटी फाइव परसेंट की सीएसआर लेवल पे अगले दस साल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है और वहीं अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं तो उज्जीवन एयू स्मॉल फाइनेंस और इक्विटस ये तीन स्मॉल फाइनेंस कंपनीज जो है ओवरऑल मार्केट का मेजर मेजर शेयर लेके बैठे हुए हैं सिक्सटी परसेंट ऑफ द ओवरऑल मार्केट जो है इन तीन कंपनीज के पास है और वहीं अगर आप बात करो अनऑर्गेनाइज मार्केट है उससे लगातार ये मार्केट एब्जॉर्व करते जा रहे हैं क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है जब आप स्मॉल फाइनेंस बैंक बना देते हो तो आपको बहुत ही लो कॉस्ट पे डिपॉजिटर्स मिल जाते हैं छह परसेंट पांच परसेंट सात परसेंट ऐसे रेंज में आपको पैसा उठाने को मिल जाता है मार्केट से चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो और उसके बाद जो है आपको बहुत ईजी हो जाता है अनऑर्गेनाइज प्लेयर से कंपीट करना और इसीलिए अगर आप बात करोगे तो इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ की है और वहीं अगर हम बात करें तो 25 परसेंट ब्रांचेस जो है इनकी रूरल सेगमेंट में है ऐसे रूरल सेगमेंट में जहां बैंक्स नहीं है तो इसीलिए दिखता है किस तरीके की प्रेजेंस है और एक और खास बात मैं बताऊं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो इनका डिजिटल पुश बहुत ज्यादा है इनको पता है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है फ्यूचर है और डिजिटल ट्रांजेक्शन करने से क्या होता है कि आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है 25% ऑफ द बिजनेस जो है डिजिटल बिजनेस होता है और 95% ट्रांजैक्शंस जो है वो कैशलेस होता है तो आप देखो तो किस तरीके की डिजिटल एडॉपशन इन लोगों ने की है वो दिखता है और ये कंटिन्यूअसली क्रॉस सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स चाहे वो एक लोन कोई कस्टमर लेता है तो उसके साथ कुछ और लोन्स दिया जा सकता है तो उस तरीके के प्रोडक्ट्स या फिर अगर मैं बात करूँ कस्टमर्स की तो रिपीट कस्टमर्स है यानी अगर कोई लोन लिया है और मान लीजिए एक छः महीने या एक साल का लोन लिया है तो उसको अगर वो क्लोज भी कर देता है तो एक साल दो साल बाद अगर उसे वापस लोन चाहिए तो उन्हें वापस बिजनेस मिलता है ये बताता है कि कस्टमर्स का कितना अच्छा ट्रस्ट है और किस तरीके का रिलेशनशिप ये मेंटेन करके चल रहे हैं और वहीं मैं अगर बात करूँ तो इनके किस तरीके की बिजनेस है एक तो इनका माइक्रो बैंकिंग बिजनेस है ये एक छोटे टिकट साइज के लोन देते हैं उसके बाद है पर्सनल लोन देते हैं और ये दोनों जो है यूजली सिक्स टू टेन मंथ्स का या यूजअली वन वन ईयर के आसपास का ही लोन रहता है उसके बाद आता है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज लोन्स तो ये बेसिकली एस एम ई लोन्स जो होते हैं वो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं और छोटी कंपनीज को ही दिया जाता है और वहीं अगर हम बात करें तो अफोर्डेबल हाउसिंग ये एक और सेगमेंटाइज बेसिकली जो रूरल एरियाज़ में घर बनाते हैं उनके बहुत ज़्यादा महंगे घर नहीं होते उनको ये अफोर्डेबल हाउसिंग के परस्पेक्टिव से लोन दिया जाता है और अगला बिजनेस है इनका व्हीकल लोन व्हीकल लोन बेसिकली जस्ट लाइक अदर कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस ये भी व्हीकल लोन देते हैं और ये बेसिकली सिक्योर्ड लोन होता है और इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी ये लोन देते हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो बेसिकली दूसरे माइक्रो फाइनेंस कंपनी या एनबीएफसी इनको भी अगर शॉर्ट टर्म लोन्स चाहिए तो ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं हालांकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जब ये लोन देते हैं तो ये बड़े टिकट साइज का होता है यूजल इन करोर्स बट आप इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी सारे बिजनेस जो है स्मॉल टिकट साइज के होते हैं और यहाँ पे एक और चीज़ है कि माइक्रो बैंकिंग और पर्सनल लोन ये जो दो है इनसे इसका मेजर बिजनेस आता है सेवेंटी फाइव परसेंट बिजनेस ये दो सेगमेंट से आता है और ये जो दो सेगमेंट है ये अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं और क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन्स है तो थोड़ा सा रिस्क रहता है यहाँ पे हालांकि मैं एक और चीज बताऊं यहाँ पे तो इनका जो जितना भी ये लोन्स है ये रिटेल कस्टमर्स को देते हैं यानी छोटे छोटे लोन साइज रहता है और काफी सारे कस्टमर्स को देता है तो इससे रिस्क जो है बहुत अच्छे तरीके से मिटिगेट होता है जैसे हम आईसीआईसी बैंक या एक्सिस बैंक की बात करें जो बड़ी बड़ी कंपनीज को बड़े साइज के लोन्स देती है और नंबर ऑफ कस्टमर्स कम होते हैं उस तरीके की चीज़ें नहीं होती उस तरीके की चीज़ों में डिफॉल्ट करने पे बहुत ज़्यादा एनपीएस के इशू आते हैं हालांकि यहाँ पे भी हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे तो एनपीए के कुछ दिखेंगे आपको वहीं अगर हम रीजन वाइज देखें तो इनका अच्छा खासा प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया चाहे वो ईस्ट इंडिया वेस्ट इंडिया नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया चारों जगह अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा हेल्दी मिक्स है इन बिटवीन फिफ्टीन टू थर्टी परसेंट का इनका हर हर रीजन में इनका लोन डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप देखोगे पैन इंडिया प्रेजेंस है इसका और ये स्लाइड जो है आपको बता देता है कि किस तरीके का इनका रीच आउट है इन एवरी रीजन तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है जैसे कि बंधन बैंक की बात करें तो वो ईस्टर्न इंडिया में बहुत अच्छा प्रेजेंस है बट अपार्ट फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया बाकी जगह बहुत अच्छा प्रेजेंस नहीं है तो इस तरीके का डाइवर्सिफाइड बुक है इनका और वहीं अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें देखें तो जैसा मैंने पहले कहा ये पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनी हुआ करती थी जिसको कन्वर्ट करके एक स्मॉल फाइनेंस बैंक कर दिया है क्योंकि ये स्मॉल टिकट साइज लोन देते हैं तो इनकी मार्जिन बहुत हाई होती है तो ये किस तरीके से होता है कि मान लीजिए कि कोई कस्टमर है उसको ट्वेंटी का लोन चाहिए तो आफ्टर सिक्स मंथ्स उसे मान लीजिए कि ट्वेंटी टू थाउजेंड देना है तो उसे वो टू थाउजेंड एक्स्ट्रा देना है वो उसी हिसाब से नहीं जोड़ता है कि सिक्स मंथ्स में टेन परसेंट के इंटरेस्ट चार्ज हो रही है यानी ऑन एनुअल बेसिस अगर हम देखें तो ट्वेंटी परसेंट के इंटरेस्ट रेट हो गए तो इस तरह की कैलकुलशन नहीं करते इस तरह के छोटे जो कस्टमर्स जो लेते हैं चाहे वो फार्मर्स हो या स्मॉल साइज बिजनेस ओनर्स हो या पर्सनल लोन हो तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत हाई होते हैं और इसके यूजुअली नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है दस से बारह परसेंट के रहते हैं तो जस्ट टू गिव यू आइडिया अगर आपको पता नहीं है तो यूजुअली जो बैंक्स होती है एच बैंक कोटक बैंक इस तरह की बैंक्स की जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होती है वो तीन से चार परसेंट के आसपास होती है हालांकि एक और चीज यहाँ पे बता दो पैंडेमिक का सेकंड वेव जो है बहुत ही अग्रेसिवली इनके बिजनेस पे इम्पैक्ट है एनपीए के बहुत ज्यादा इश्यूज आए हैं पिछले क्वार्टर में इनके जो एनपीए थे वो वो वन परसेंट से इंक्रीज होकर सेवन पॉइंट वन हो, हो गए थे और रिसेंट क्वार्टर में ये नाइन पॉइंट एट परसेंट हो गए हैं तो ये एक मेजर रीजन है जिसके वजह से लगातार कंपनी के शेयर प्राइस कॉल कर रहे हैं और मैं इसके फाइनेंशियल एनालिसिस में भी आपको दिखाऊंगा चीजें और यहीं पे अगर हम नेट एनपीए की बात तो करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन लोगों ने प्रोविजन रखा है जिसकी वजह से जो है एनपीए जो है अभी भी कंट्रोल्ड है 2.9 परसेंट है हालांकि 2.9 परसेंट भी कम नहीं होता काफी ज्यादा होता है यूजअली इनके ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों जो है अंडर वन रहते हैं बट लास्ट टू क्वार्टर से आप देख सकते हो किस तरीके से इनके ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बढ़ गए हैं और यही मेजर रीजन है जिसकी वजह से प्राइस जो है लगातार इसके टैंक है और और रिसेंटली मैंने एक कॉन कॉल अटेंड की थी तो कॉन कॉल में जो इनके कंपनी के एम है उन्हें क्लियरली बोला कि उनका सबसे पहला फोकस जो है वो ये है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की पेरेंट कंपनी है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज और ये दोनों को मर्ज करने का प्लान है भाई 2022। तो ये 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 रिवर्स मर्जर का प्लान है ये है बेसिकली जो स्मॉल फाइनेंस बैंक वापस अपने कंपनी को जुड़ जाएगी और बेसिकली उस हिसाब से शेयर्स जो है रीअलॉट होंगे और एक ही कंपनी एग्जिस्ट करेगी तो अगर आपको डाउट है कि जब ये मर्जर वापस रीमर्जर होगा तो उस केस में आपके शेयर्स का क्या होगा तो यूजअली इस तरह की हाई क्वालिटी बिजनेस जो होते हैं वो कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से ही जो भी शेयर्स है उसको उस हिसाब से अलॉट है करते हैं तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है मोरलेस आपका वैसा ही रहेगा तो इसलिए आपको रिवर्स मर्जर के हिसाब से टेंशन नहीं लेने का इसके अलावा आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो बेसिकली जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उनका जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है वो भी रूरल एरिया में ये बहुत अच्छे तरीके से सेल करते हैं ये एक और बिजनेस है और यहाँ पे अगर आप देखो तो एपीआई बैंकिंग ये बेसिकली कोई पर्टिकुलर बिजनेस है चाहे वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है तो वो अगर अपनी ऑनलाइन वेबसाइट है और वो पेमेंट कलेक्ट करना चाहता है तो कंपनी जो है अपना एपीआई है शेयर करती है उसके थ्रू बेसिकली एक वेबसाइट जो है अपना एपीआई इंटरलिंक करके आराम से स्मूथली ट्रांजेक्शन कर सकती है पेमेंट कलेक्ट कर सकती है तो इसके लिए इनकी एपीआई वाली फैसिलिटी भी है जो आपको बताता है कि किस तरीके का डिजिटल पोस्ट है इनका और वहीं अगर हम फाइनेंशियल में जाए तो कंपनी की पीई जो है यहाँ नजर नहीं आ रही है उसका प्राइमरी रीजन है कि कंपनी फिलहाल लॉसेस में है और आरओसी और आर भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे नहीं है तो क्या रीजन है जिसके वजह से मैंने इसे पिक किया है तो जब हम पी एन एल में जाते हैं तो ये चीजें पता चलेंगी तो पी एन एल में अगर मैं जाऊँ यहाँ पे तो आप देखो कि नेट प्रॉफिट की बात करें तो टू करोड़ हुआ करता था जो लगातार इंक्रीज होते हुए थ्री फिफ्टी करोड़ तक गया था मार्च 2020 में और मार्च 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन यहाँ चीज़ें चेंज हो गई तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो के आसपास नेट प्रॉफिट था और करेंट ईयर की बात करें तो माइनस टू एट्टी परसेंट है तो ऐसा नहीं है कि इनको प्रॉफिट नहीं आया बेसिकली इन लोगों ने प्रोविजन कर लिया है क्योंकि इनको पता है कि एनपीए बढ़ने वाला है तो इसलिए इन लोगों ने प्रोविजन किया है इस वजह से जो है बेसिकली आपको एक्सपेंसिज ज्यादा दिख रहे हैं और इसके वजह से नेट फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में है तो आप देखोगे तो रेवेन्यू जो है वो आ रही है बेसिकली इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है बट क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पेमेंट नहीं कर पा रहे या जिस तरीके का पैंडमिक का सिचुएशन हुआ है इनफैक्ट मैंने इनके एमडी की भी कॉल सुनी थी तो बेसिकली वो अपनी कॉन कॉल में भी गाइड कर रहे थे कि उनका मेजर दो चीज़ें हुई हैं एक तो पैंडमिक की वजह से उनके खुद के स्टाफ भी बहुत ज़्यादा कोविड पॉजिटिव हो चुके थे जिसकी वजह से जो है पेमेंट कलेक्शन में दिक्कत हुई थी चाहे वो लॉकडाउन की वजह से हो और यूजुअली इस तरीके के पेमेंट कलेक्शन में कई बार जो है आपको कस्टमर्स के पास भी जाना पड़ता है और वहीं अगर हम बात करें तो कस्टमर्स को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है चाहे वो पैंडमिक के बीमारी के वजह से हो या इन जनरल फाइनेंशियल इशू के वजह से हो तो इस तरीके की चीज़ें डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में नहीं एग्जिस्ट करेगी जिस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है तो चीज़ें यहाँ पर मुझे लगता है मोरलेस नेगेटिव चीज़ें ऑलरेडी आ गई हैं और निगेटिव चीज़ों का सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो नेगेटिव चीज़ें ना वो शेयर प्राइस को नीचे गिरा देती है और वहां पे जो है चीज़ें बाई करने का सिचुएशन होता है स्पेशली जब आपको पता है कि इसकी अमेजिंग ग्रोथ आप देखो 148 करोड़ हुआ करता था 2012 में रेवेन्यू वो इंक्रीज होते हुए 20 टाइम्स हो गया है जो कि अमेजिंग है और इस तरह की ग्रोथ वाली कंपनीज को आपको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना चाहिए और वहीं शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास एटी है जो कि डेफिनेटली इनको अंडर सेवेंटी लाना होगा अगले दो साल के अंदर तो इस वजह से शेयर जो है बहुत ज़्यादा राइस न करे ऐसा हो सकता है क्योंकि स्पेशली प्रमोटर्स की बात करें तो इनका जो अराउंड एट एट एंड हाफ परसेंट का स्टेक है वो एफ आई पब्लिक के बीच में स्मूथली ट्रांजेक्शन हो सकता है अगले दो साल में बट उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कंपनी अगले दस साल बीस साल के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकती है और इसीलिए आपको इस स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए और यहीं पर अगर मैं चार्ट पे दिखाऊँ तो जैसे मैं पहले भी कई वीडियोज में कहा कि आर एस आई लेस देन थर्टी एंड टू हंड्रेड डे मूविंग एवरेज के नीचे जब शेयर कर, होता है उसे आपको डेफिनेटली बाई करने का सोचना चाहिए और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक मैसिव कंसोलिडेशन हुआ है और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो पैंडेमिक जो है उसका सबसे अगर हम मार्केट के बॉटम की बात करें तो मार्च 2020 में बॉटम हिट हुआ था और आज के टाइम पे आप देखोगे तो मोरल लेस ये मार्केट के बॉटम पे है यानी आपको पैंडेमिक के टाइम पे जो निफ्टी साढ़े सात हजार के आसपास आ गया था ये स्मॉल कैप जो है वो 3000 के इंडेक्स में था मोरलैस वैसे प्राइस पे ये कंपनी अभी मिल रही है तो आपको दिखता है कि किस तरीके की नेगेटिव चीजें पे ऑलरेडी आ गई है प्राइस में और प्राइस जो है आपको जो भी NPS है वो सारी चीजें प्राइस में ऑलरेडी कैप्चर हो चुकी है तो चीजें यहाँ पे मोरलेस आउट हो चुकी है हो सकता है थोड़ा बहुत और करेक्शन हो बट चीजें यहाँ से डेफिनेटली इंप्रूव होनी चाहिए तो इस तरीके की हाई क्वालिटी बिजनेस या हाई क्वालिटी फ्रेंचाइज को इस तरीके की सिचुएशन में आपको एज अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए आज के टाइम पे बात करें तो यहाँ से दस गुना होते हैं दस साल में और उसके बाद अगले दस साल में अगेन टेन टाइम्स होते हैं तो बेसिकली हंड्रेड टाइम्स होता है ट्वेंटी ईयर्स में और इस तरीके की ग्रोथ ये बिल्कुल दे सकती है जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं जिस तरीके की रूरल एरिया में इनकी रीच है और आने वाले टाइम में रूरल एरिया ऐसा एरिया है जहाँ पर डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होने वाली है क्योंकि वहाँ चीज़ें आज भी मेट्रोज या बड़े शहर की तरह डेवलप नहीं है और वहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो है बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल के साथ प्रपोजिशन के साथ आए हैं तो ये कुछ मेजर चीजें हैं जिसके वजह से मुझे लगता है कि ये बिजनेस जो है काफी अच्छा कर सकता है हालांकि यहाँ पे मैं एक दे दूँ आपको तो मैं से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं तो आप अपनी ड्यू डी करके इसमें बाई करोगे मेरे कहने पर आप बाई और सेल नहीं करोगे और अगर आप चाहते हो कि मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक जितने भी है उनका एक क्वान्टिटी एनालिसिस करके आपको डिटेल वीडियो बनाऊ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दू तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है ये बेसिकली लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको की कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू